नमस्ते अखिलेश जी। जी, मैं नमस्कार ये बता राबिन रहा था भाई। कि जो मुझे आपके काम के साथ साथ एक और चीज बड़ी पसंद है वो ये कि जो आप हिंदी बोलते हैं ना जी, वो तो बहुत ही ज्यादा काबिले तारीफ है। अब हम उन्हीं परिवार उसी परिवार में पैदा हुए हैं, पूरी तरह हिंदी भाषी घर है। माताजी रामचरितमानस की बड़ी मर्मज्ञ थी, तो उन्हीं से जो पाया है वही आपसे बोलता हूँ, वही आपसे बांटता हूँ। तो किसी शब्द पे मैं अटकूंगा तो मैं संकोच नहीं करूंगा, आपसे मतलब पूछ लूंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मुझे मर्मज्ञ का मतलब नहीं समझ में आया। तो मर्म मर्म समझने वाला व्यक्ति। अभी भी आप रेस्क्यू पे गए हुए थे, किसे रेस्क्यू किया आपने? तो एक श्वान था। आप जी, सिर्फ सिर्फ गाय बैल का रेस्क्यू नहीं करते? नहीं, कोई भी जीव हो उसमें मनुष्य भी आ जाता है। जिस तो आप पशुवत स्थिति में अगर मनुष्य दिखता है तो हम उसको भी उठा लाते हैं। थोड़ा उल्लेख करेंगे कि कैसे आपने हनुमंत जीव आश्रय की शुरुआत करी? हम गांव में पैदा हुए, वहीं पले बढ़े। अम्मा कौन से हमारी गांव? यही उन्नाव जिले में एक सरवन गांव पड़ता है। हमारी अम्मा शिक्षिका थी, लेकिन शिक्षक होने के पहले वो गौ सेवक थी। उस समय 16 गाय बैल हमारे घर में हुआ करते थे। सवेरे उनका गोबर करकट चारा पानी करने के बाद वो हम लोगों का खाना बनाती थी, फिर स्कूल जाती थी। फिर उनको चराने जाने की जिम्मेदारी हम लोगों पर होती थी और हम लोग मौज मौज में ये काम करते थे। पिताजी यहाँ कानपुर में अध्यापक थे, तो वो उन्नाव में रहते थे। शनिवार और इतवार को माता पिता एक साथ इकट्ठा होते थे। तो मतलब हम गांव से शहर आए, तो गांव की जो संस्कृति थी, जो अंदर वहां के भाव थे, वो इतने मजबूत थे कि यहाँ की परिस्थितियों में भी टूटे नहीं, कमजोर नहीं हुए। जैसे सड़क पर कोई बछड़ा एक्सीडेंट हो गया तो चलते समय उसको देखा, क्योंकि उनसे पुराना जुड़ाव था, एक पैकेट ब्रेड का लेकर उसको खिलाया। खिलाने के बाद घर चले गए, तो रात में एक प्रश्न अपने आप बार बार कौंधता था कि उसे एक पैकेट ब्रेड से उसकी भूख मिटी कि आपकी। तो जवाब मिलता था कि न उसकी मिटी न मेरी। यही जवाब ढूंढते ढूंढते आज हम आपसे बात करने के सौभाग्य से जुड़े हैं। आपने कितनी अच्छी तरीके से अपनी बात को रखा, मैं इसी जी बात का जी तो आपसे घायल हूँ। तो फिर कितने साल पहले आपने इसको एक जिसे कहेंगे ऑर्गेनाइज्ड रूप दिया, जिसमें आपने, ये आपके पीछे शेड है ना जिसमें जी जी ये सारे, जी तो जी ये शेड हाँ का निर्माण कब हुआ, आपके साथ लोग कैसे जुड़े? क्योंकि बहुत से लोग हैं वो भी करना चाहते हैं पर वो शायद ब्रेड के पैकेट से आगे बढ़ नहीं पाते। जी तो जी यही जी था कि बिल्कुल बिल्कुल आपसे बिल्कुल। प्रेरणा लेंगे, थोड़ा आपसे सीख लेंगे। दरअसल ये शुरुआत हुई वर्ष 2011 के आसपास, जब हम यहाँ एक अखबार के जिला संवाददाता हैं, राष्ट्रीय सहारा अखबार के। अखबार का जो पेशा होता है उसमें बहुत से आकर्षण, बहुत सी प्रभुताएं जुड़ी होती हैं, और उस पैसे पर जो वर्चस्व कायम करके या पद पर जो लोग बैठे होते हैं वो उसका लाभ उठाते हैं और उस लाभ का निजी प्रयोग करते हैं। उस लाभ के अवसर हमारे सामने भी आए, तो स्थिति यह बनी कि हम यूं तो अखबार से 5-6 हजार रुपए ही महीने में पाते हैं, लेकिन जो दायरा बनता है इन पदों पर, वहां की आय, तो हमारे सामने जब स्थिति आई तो लगभग 40-50 हजार रुपए महीने की आय के साधन हमारे पास सामने खड़े हुए। उस आय से हम अपने बच्चों को पालें, अपने बच्चों के लिए कपड़े सिलाएं, ये हजम नहीं हुआ और न इससे हम समझौता कर पाए। हमारे पास उस धन को खर्च करने का एक सुगम रास्ता था। हमने उस धन को अस्वीकार नहीं किया और उसी धन से हमने राष्ट्रीय सहारा अखबार कार्यालय के ठीक सामने चरहियां रगवा दी। चरहियों में चारा, दो चरहियों में और दो में पानी, जितनी आय आती थी सब उसी में लगनी शुरू हो गई। फिर हमने जब सेवा शुरू की तो अब आगे बढ़ना बढ़ते चले गए कि पता चला एक्सीडेंट हुआ, किसी ने कहा कि भैया एक वहां बछड़ा लड़ गया है, तो हम गए, किराए का लोडर लिया, उसको उठा के लाए, पशु चिकित्सालय में रखा। अब वहां पर भी रखने में ये अखबार का पैसा काम आता था, ये जिला संवाददाता है, ये चीखेंगे चिल्लाएंगे कुछ लिख देंगे, तो हमने उनको वहां रखना शुरू किया। वहां जब संख्या 18, 20, 25 होने लगी तो वो भी स्थिति बिगड़ने लगी। अब हमको जगह की आवश्यकता हुई। शहर में ही एक लोगों ने, उनका पीछे स्थान था, उसमें कुछ कब्जेदार थे, तो उनका भाव था कि ये कब्जा छूट जाएगा और हमारा भाव था कि हमको जगह मिल जाएगी। हमने उनका कब्जा छुड़ाया,
लोगों से पैसे मांगकर उसका निर्माण कराया। वहीं से अब हम जब सड़क पर किसी की पट्टी बांधते और जब 10-12 जानवर स्वस्थ होकर के उनको सड़क पर हम टहलाते तो दृष्टिकोण तमाम तरह के होते हैं। किसी को लगता था कि ये नाटक कर रहा है, किसी को लगता था कि ये राजनीति के लिए ये सब कर रहा है, लेकिन जब भाव दृढ़ होता है तो वो अपनी सच्चाई को खुद बना लेता है, खुद आगे गाढ़ा कर लेता है। वही होता गया, लोगों का विश्वास बढ़ता गया और आज हम संतोषजनक स्थिति में तो नहीं है लेकिन जहां से चले थे उससे बहुत ऊपर है। पर आप जिस दिशा में चले हैं आपको उस दिशा से संतोष है? दिशा से संतोष है, दिशा से पूरा संतोष है। क्या आप अंदर हमें थोड़ा दिखा पाएंगे? आपका अगर सिग्नल चलता है अंदर? बिल्कुल 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 बिल्कुल। छोटा बंदर बिल्कुल का बच्चा आपके कंधे पे आके बैठ रहा था, फिर वो आपको ऊपर से देख रहा है। जी जी जी। क्या नाम है उसका? टुक 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 टुक। ये हरा चारा रखता है यहाँ। ये इसमें दो बिल्ली के बच्चे हैं। ये बिल्ली के बच्चे दिखे आपको? हाँ, अरे अब दिखा। हाँ, हाँ, ये दो बिल्लियों के अलग अलग 6 बच्चे आए थे। ये वो बच्चे हैं जिनकी माताएं कहीं एक्सीडेंट में, दुर्घटना में मारी गईं। 3-4 दिन तक जब नहीं लौटी तो लोगों ने सूचित किया कि हमारे घर के पास बिल्ली ने बच्चे दिए हैं, पड़े हैं। तो 6 बच्चे लाए थे, 4 अडॉप्ट हो गए हैं, 2 बच्चे हैं। और अडॉप्शन कैसे कराते हैं आप? इसी फेसबुक पर हम पोस्ट लिख देते हैं, धीरज इंस्टाग्राम पर लिख देता है। हमको ज्यादा इसका टेक्निकल ज्ञान नहीं है। तो धीरज आपके सुपुत्र है जिनसे मेरी बात है? जी, धीरज छोटा बेटा है हमारा। ये इमरजेंसी है हमारी। अरे ये जू है, ये दृष्टिहीन है। ये तो ये यहाँ पे परमानेंट है ना, जो जू है? हाँ, दो है दृष्टिहीन, एक जू है, एक संजू बाबा है। संजू बाबा आपके यहाँ भी है? हमारे यहाँ भी एक संजू है। अच्छा, आप संजू आपके ही संजू बाबा से यहाँ नामकरण किया गया उसका। संजू बाबा कहाँ है? बाहर है। जो भी गाय दिख रही हैं, बैल दिख रहे हैं, इसमें से आपके कुछ परमानेंट भी आपने रख लिए हैं जिन्हें आप रिलीज नहीं कर सकते? जो स्वस्थ हो जाते हैं जी, वो इधर है, ये है, लेकिन इससे 3-4 गुनी संख्या हमारे कंपाउंड के बाहर है। जो हमने बाहर कई चरहियां लगवा दी हैं उनमें हम चारा लगा देते हैं। तो यहाँ के जो बाहर हुए हैं वो पशु, और जो बाहर शहर के इस मोहल्ले के जो 20-25-30 आ जाते हैं उन सब का चारा बाहर चलता है, उनको भी अभी हम आपको दिखाते हैं। ये वो है जो स्वस्थ हो गए हैं, जैसे ये है, इनका एक पैर कटा है। ये जो स्वस्थ हो गए हैं ये रिलीज होंगे बाहर या आपके साथ ही रहेंगे? ये यही रहते हैं, ये भीड़ है यही की स्वस्थ हुई। ये जैसे हैं, इनका ये पैर टूट गया था, ये ठीक हो गया। अब इनको अगर हम किसी सरकारी गौशाला में दे आए तो सीधे सीधे इनकी मौत को निमंत्रण देना है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए कि उन गौशालाओं का सच हमने बहुत कहा है। हम कई जगह गए भी हैं, अगर हमने तो लिखा भी है उन गौशालाओं को अगर वधशालाएं कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। 80% गौशालाएं ऐसी हैं जिनमें ना तो धूप से बचने की व्यवस्था है, ना बरसात से बचने की व्यवस्था है। ऐसे ऐसे खौफनाक दृश्य वहां देखे हैं कि आप देखें तो आपका कलेजा फट जाए। जो गौशाला में जो कचरा गोबर इनका जो सूख के इकट्ठा होता है टुकड़े टुकड़े करके, उसमें भूसे के कण पड़े होते हैं। वो जो जानवर वहां रहते हैं वो इतने भूखे होते हैं कि उस गोबर से भूसे के कण उठाकर जब खाते हैं आप देख लेंगे तो आप बिना रोए नहीं रह सकते हैं। उन्नाव की गौशालाओं का ये सच है, सरकारी गौशालाओं का। अगर गौशाला में, जैसे कोई भी गौशाला है उसकी कैपेसिटी होगी 200, 400, 600 बराबर, तो वहां पे अब गाय जाती है, अगर गाय अपना पूरा जीवन, जैसे कि डेयरी वाली तो उसको जब 6-8 साल की होती है छोड़ देते हैं, अब गाय के पास तो भी 8-7 साल बचते हैं, 15 साल की जिंदगी है अगर उसकी जी। तो अगर वो रखते हैं उसको ठीक से और गाय पूरा जीवन अपना वहां काटे तो जो सड़क पर डेयरी वाले गाय छोड़ रही है वो जाएंगे कहां? इसका प्रश्न और बड़ा है थोड़ा सा, ये सीमित प्रश्न है आपका। दरअसल हम लोग धर्म भीरु भी अपने आप को कहते हैं,
और गाय को माँ की उपाधि देते हैं। गाय का इतिहास हमारे हमारे सनातन धर्म में बहुत विराट है। अगर हम सिर्फ हानि लाभ को देखते हुए जिएंगे तो हमको अपनी पुरानी परिभाषाएं बिल्कुल बदलनी पड़ेंगी। जैसे शिव जी के मंदिर में वो जो पत्थर का नंदी बैठता है उसको उखाड़ के फेंक देना पड़ेगा पहले, उसके बाद हानि लाभ की बात शुरू होगी। दोहरा जीवन जीने का और दोहरी बातें करने का कोई अर्थ नहीं। गाय हमारी माता है, हमारी रसोई में पहला उसके लिए अग्रासन बनता है। जब हमारे यहाँ कोई मर जाता है तो गाय गाय कौवा और कुत्ते की रोटी निकाली जाती है, और उसके पीछे सिर्फ हमारे अपने स्वार्थ होते हैं कि हमारा जो व्यक्ति परलोक गया है उसको उसकी आत्मा को शांति मिले। हम गाय को नहीं खिलाते हैं, वहां पर भी गाय को नहीं खिलाते हैं, हम अपने स्वार्थ में ये करते हैं। लेकिन ये जो परिभाषाएं गढ़ी गई हैं, इन परिभाषाओं को गढ़ने का उद्देश्य बड़ा सार्थक था, बहुत बड़ा उद्देश्य था कि जो हमारे अधीन जीव हैं उनको जीने के लिए, उनको रहने के लिए, जब तक हम धर्म से नहीं जोड़ेंगे। भाई श्वान जंगल में नहीं रहता, श्वान वहीं रहता है जहां मनुष्य रहते हैं, और प्रकृति ने उसको मनुष्यों के बीच इसलिए रखा कि जंगली जानवर हैं। जंगली जानवरों का रहना अलग है, श्वानों का रहना अलग है। श्वान आपकी पहरेदारी करते हैं कि अगर जंगल से सियार बस्ती में प्रवेश करेगा तो श्वान भौंकेगा, वो उसको मारेगा नहीं लेकिन आपको जगाएगा। प्रकृति द्वारा दी गई व्यवस्था को समझना और उसका साथ देना हमारा कर्तव्य है। हम उस कर्तव्य से विमुख हैं। रविंद्र भाई, हम बहुत पढ़े लिखे आदमी नहीं हैं हम। मतलब सच में तो ये है कि सिर्फ डिग्री हमारे पास बीए फेल की है, लेकिन हम पढ़े उतना भी नहीं है। हमने नकल करके बीए फेल की डिग्री पाई है। अरे तो ही तो मेरी हिम्मत है आपसे बात करने की, मैं खुद बीएससी फेल हूँ। आप लोग तकनीकी ज्ञान से लैस हैं। हमको अच्छा यही लगता है कि इस क्षेत्र में इस इतने ज्ञान वाले लोग काम कर रहे हैं, ये सौभाग्य का विषय है। बाकी तो चारों तरफ अंधकार है। मैं तो कहता हूँ देखिए जी, ज्ञान से ज्यादा तो ये भाई, जिन जिन लोगों पे भगवान की सीधी नजर है उन लोगों को तो ये काम करना ही चाहिए। वही कर ही पाएंगे भैया। हाँ, बाकी लोग तो भगवान से मांग ही रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, एक श्लोक है कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीत मेतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इसका अर्थ है कि विद्या अगर अच्छे आदमी के पास है तो ज्ञान देने के लिए, और गंदे आदमी के पास है तो विवाद के लिए। विद्या विवादाय, धन है गंदे आदमी के पास तो मद के लिए है, धनम मदाय। अच्छे आदमी के पास है तो दान के लिए, और शक्ति है तो दूसरों को परेशान करने के लिए गंदे आदमी के पास, और अच्छे आदमी के पास है तो दूसरों की रक्षा के लिए। अब ये जो परिभाषा हमारे बुजुर्गों ने, ज्ञानी बुजुर्गों ने दी है, उसमें हमको आपको देखना है कि ये अच्छे बुरे लोग हैं कौन कौन से, उनको छांट के उनसे जुड़ना है और अपने उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ते रहना। तो हमने आपके साथ लाइव किया। तो अब मुझे एक बात बताइए, मैंने थोड़ा सैड है टॉपिक, मैंने आपके पेज पे देखा एक नंदी एक कुएं में गिर गया था। जी जी, तो जब ऐसा कुछ हृदय विदायक होता है तो इससे आप कैसे कैसे झेलते हैं इसको? आप अब तो अभ्यस्त हो चुके हैं रविंद्र भाई। शुरू में ये स्थिति थी कि जाड़े के दिनों में 10 बजे रात में कोई गायक को प्रसव हुआ और उसका बच्चा फंस गया। हम लोग रात में ही 2-3 लोग इकट्ठा करके उसको ले जाते थे, और सवेरे 4 बजे पता चला दोनों मर गए। फिर 4 से 7 बजे तक हम रो ही रहे। उस स्थिति से अब बिल्कुल मुक्त हैं, अब हम मृत्यु पर रोते नहीं हैं। एक स्थिति जो बनती है कि रोना कब होना चाहिए, रोना आपके कर्तव्य अगर बाकी रह जाए तो उस बाकीपन पर आपका रुदन होना चाहिए। ये अम्मा ने भी हमको बताया था कि जीवन उत्सव है, मृत्यु महोत्सव है, मृत्यु को महोत्सव के रूप में ही देखना चाहिए इस मृत्यु लोक में।
तो अब वो देखने की कोशिश हमने शुरू की थी, अब थोड़ा बहुत करने भी लगे हैं। ये आपकी अम्मा ने बताया, हमारी हमारी अम्मा का कथन था और उस कथन को उनकी मृत्यु पर हमने जिया भी। हम उसे जब पूछते थे कि उन्हें कहती थी मृत्यु महोत्सव, तो हमने कहा अम्मा जैसे हम मर जाएं तो क्या आप हंसोगी, तो उन्होंने कहा नहीं, ये स्वार्थों का मसला है, हमारे तुमसे स्वार्थ इतने हैं कि रुदन छूट जाएगा, तुमको हमसे कोई स्वार्थ नहीं। आप इतना कुछ कर रहे हैं लोगों के लिए, जानवरों के लिए, आप मुझे बताइए लोग आपके लिए क्या कर सकते हैं, लोग आपके साथ कैसे जुड़ सकते हैं? लोग ही जुड़े हैं तभी ये इतनी बड़ी यात्रा चल रही है। वर्तमान में 4 से 4.5 लाख रुपए महीने का खर्च है हमारे जीवाश्रय का, 14 कर्मचारी हैं। तो इस छोटे से शहर में 4-4.5 लाख रुपए इकट्ठा हो पाना बहुत कठिन काम है। ये हम तो सीधे सीधे ईश्वर की कृपा मानते हैं कि लोग हम पर, हमारी सेवा यात्रा पर विश्वास करते हैं और जुड़ते चले जा रहे हैं। ये यात्रा जहां जहां पर अभी असंतोषजनक है, जहां जहां पर हमारी आत्मा लगातार हमको कचोटती है, हमसे सवाल करती है कि ये भी बाकी है, वो पूरा करने के लिए अर्थ की आवश्यकता है। लेकिन फिर लगता है कि जब वहां से एक बछड़े से आज हम 150 गाय बछड़े, 30-40 स्वानों, आधा दर्जन वानरों बिल्लियों तक आ गए हैं, तो वो समय भी दूर नहीं है कि कम से कम उन्नाव जिले में हम बेजुबानों की पीड़ा बांट पाने में पूरी तरह एक न एक दिन समर्थ अवश्य होंगे। आपका एक मत जानना चाहूंगा, हमने एक ना क्लीन मिल्क करके एक कैंपेन शुरू किया है, हमने एक साल पहले भी किया था, फिर हमने उस पर बात उठाई है। हम चाहते हैं कि भाई डेयरी कंपनियां जो हैं लोगों को बताएं कि यार भाई या क्या वो दूध बना सकती हैं बिना गाय को भैंस को कटने के लिए बेचने, या वो बना सकती हैं और नहीं बना सकती तो बताएं, ताकि लोग कम से कम एक जानते समझते। लेकिन एक आदमी जो कहता है मैं शाकाहारी हूं, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से किसी जानवर को तकलीफ पहुंचे, फिर वो दूध पीता है और वो दूध पीता है, वो भैंस का बच्चा पहले काटा जाता है, बाद में उस भैंस को बेच दिया जाता है, तो ये कहां की सही बात है? तो आपका इस विषय में कोई मत है? दरअसल अभी हम खुद अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं है। एक तरफ कुछ लोग आह्वान कर रहे हैं कि दूध का त्याग कर दिया जाए तो इनकी स्थिति ठीक हो सकती है। हमें लगता है कि दूध के त्याग से स्थिति बिल्कुल नहीं ठीक हो सकती, क्योंकि जैसे गाय है और वो बिल्कुल दूध नहीं देती, और ऐसी प्रजाति की ही अधिकांश गायें जो देसी गायें हैं उनकी प्रजाति में ऐसा ही ज्यादातर है। तो ये जो तरीका बताया जा रहा है कि दूध के त्याग से, तो इसका जो अंदर का अर्थ है वो तो गौवंश को समाप्त करने का है सीधे सीधे। पर आपको नहीं लगता बात त्याग की नहीं है, बात बहिष्कार की है कि जब तक भैंस को कटने के लिए ये बेच रहे हैं, अब जैसे अमूल वाले हैं, इनके पैकेट पे ये लोग गाय बनाते हैं, पर इनका बड़ा सारा दूध जो है भैंस से आता है, वो भैंस जो है इनके एक भैंस कटने को बिकती है। आपने कभी सड़क पे भैंस नहीं देखेंगे आप बेसहारा? नहीं, हमारे हम इतने दुर्भाग्यशाली हैं कि हमारे जिले में 12-14 स्लॉटर हाउस है। बताइए तो अब वो जो अब देखिए ना, जिसने मुर्गी का मांस बेचना है, जिसने बकरे का मांस बेचना है, वो तो अपनी मुर्गियां अपने बकरे पालते हैं जी। लेकिन जिसने भैंस का मांस आगे निर्यात करना है अरब देशों को या वियतनाम को, वो लोग तो डेयरी वालों से भैंस खरीदते हैं, तो फिर कहीं पे तो उस पाप का भागीदार हम बन रहे हैं। तो हम तो ये कह रहे हैं कि भाई तब तक बहिष्कार करो जब तक वो लोग वचन नहीं देते कि नहीं हम नहीं बेचेंगे, हम बिना हम बूढ़ी भैंस का भी कुछ प्रावधान रखेंगे, चाहे हमसे दूध का पैसा फालतू ले लो। प्रवीण भाई, इस पर और आप मंथन करिए थोड़ा सा, हम भी विचार करते हैं, अगर कोई विचार आता है तो हम आपसे बांटेंगे जरूर। लेकिन बहुत खराब स्थितियां हैं। आप दूसरी चीज देखिए, जैसे सरकारी व्यवस्था है स्लॉटर हाउसों को अनुमति देने की, कि जो निष्प्रयोज्य जीव है, गाय है भैंस है, उसको काटने की अनुमति है। ये अधिकार आपको किसने दिया है कि किसी जीव की हत्या करने का आप लाइसेंस देंगे? ये अधिकार आप कहां से पा जाते हैं? और अगर पाते हैं
उनको लगता है कि उनके पास ये अधिकार है, तो बिना किसी काम के मनुष्यों को भी मारने का आदेश देने का साहस करें वो, सिर्फ गाय बछड़े और भैंस क्यों? हमारे पिताजी 85 साल के बुढ़े हो गए, घर में पड़े रहते हैं, उनकी टट्टी उठानी पड़ती है, उनको मरवा दें, उनके पिताजी पड़े हो तो उनको मरवा दें। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात जी। मैं तो कत्ल खानों के बिल्कुल विरुद्ध हूँ, और इसी चीज के लिए हम चाहते हैं कि भाई दबाव तभी पड़ेगा। देखिए, आपके पास पावर कहाँ से आती है? या तो वोट से, या जो आप कंपनियों को नोट देते हैं, है ना? तो हम तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई कंपनी ऐसा कर रही है कि भैंस से दूध लेके और भैंस को कटने के लिए बेच रही है, उस कंपनी को पैसा ना दे। आप भी और मंथन करिएगा, आपको बिल्कुल अगर और बिल्कुल कुछ आता है तो बताइएगा। नहीं, हम उस दिन से, ठीक जिस है, दिन से आपका वीडियो देखा, उस दिन से हम अपनी अंतर स्थिति से संघर्षरत हैं कि इसका हल क्या है। चलिए, आप जैसे लोग, दूध के तिरस्कार से कोई हल अभी तक हमको नहीं निकल के मिला है कि हम आपको बताते फोन करके ढूंढ के, कि हम आपका वीडियो समय जब मिलता है तो देखते हैं और अंदर से गौरवान्वित भी होते हैं कि कोई इन बेजुबानों के लिए जीवन लगा रहा है। मैं तो यही कहता हूँ, इस काम करने के अलावा मेरे को तो कुछ और समझ भी नहीं आता कि करें तो बिल्कुल क्या कुछ करें, पार्टियां करें, टीवी देखें, क्या करें। हाँ, आप तो कुछ कुछ नहीं अच्छा लगता है, घर के लोग भी नाराज रहते हैं। बस आप समझ सकते हैं वैराग्य। चलिए, थैंक यू, अच्छा लगा बिल्कुल आपसे जुड़ के। जो भी जन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्लीज इनका पेज जरूर फॉलो करिए, हनुमान जीव आश्रय, हाँ, और जो भी मदद आप करिए सपोर्ट हमारी, दे सकते हैं दीजिए। ताकि हम अपनी अपने मन की पीड़ा मिटा सके इन बेजुबानों के दर्द को बांटकर।